फिजिकली अगर हम देखें तो एसिड और बेस में कुछ डिफरेंस है। जैसे कि अगर एसिड के टेस्ट की बात की जाए तो वो सॉर टेस्ट होता है और बेसिस का जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है। जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, लीमू हो गया, माल्टा हो गया, इनका टेस्ट क्या होता है हमारे पास? सॉर, इनमें एसिड होता है। ओके, बेसिस जैसे कि सोप और कास्टिक सोडा वगैरह जो कि हम वॉशिंग पर्पज के लिए जो यूज करते हैं, ये हमारे पास आते हैं बेसिस के अंदर। तो एसिड का जो टेस्ट है हमारे पास सॉर है, बेस का बिटर है। एसिड क्या करता है? टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। ये ब्लू लिटमस को क्या कर देता है? रेड कर देता है। और ये टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, उल्टा काम, ये रेड लिटमस को क्या कर देगा? ब्लू कर देगा। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसका जो क्रोसिव होती है, इसके जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है इसका, वो क्या होता है? क्रोसिव होता है। और इसका भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? वो क्रोसिव होता है, वो चीजों को जला देता है। खासतौर पर अगर आप कपड़े की बात करें तो कपड़े पे अगर कंसंट्रेटेड एसिड डाल देंगे तो कपड़े को वो जला देगा। इसी तरह कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन अगर किसी बेस का हो, फॉर एग्जांपल NaOH का, तो वो भी जला सकता है। तो ये क्रोसिव नेचर रखते हैं, बिटर होते हैं और स्लिपरी होते हैं। ये हाथ से जैसे सोप फिसल जाता है, तो स्लिपरीनेस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेस। लेकिन ये तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, केमिकली क्या डिफरेंस होता है एसिड और बेस में? सबसे पहले 1787 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था आर्गेनियस, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया और बताया कि केमिकली एसिड और बेस में क्या डिफरेंस होता है। सो व्हाट इज एसिड अकॉर्डिंग टू आर्गेनियस? आर्गेनियस ने कहा एसिड इज अ स्पीशी विच प्रोड्यूस एच पॉजिटिव आयन इन वाटर। उसने कहा एसिड एक ऐसी चीज है कि आप उसको पानी में डाल दो तो वो एच पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, वो एसिड है। एंड व्हाट इज बेस? आर्गेनियस ने कहा कि बेस वो चीज होगी, अगर आप उसको पानी में डाल दो तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी? वो प्रोड्यूस करेगी हाइड्रोक्सिल आयन, OH नेगेटिव आयन। सो एसिड इज अ स्पीशी विच प्रोड्यूस एच पॉजिटिव आयन इन वाटर, फॉर एग्जांपल HCl, फॉर एग्जांपल H2SO4, फॉर एग्जांपल H3PO4। एंड बेस इज अ स्पीशी विच प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन वाटर, फॉर एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड लिथियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं मेटल्स के और अल्कली मेटल्स मेटल्स के, वो हमारे पास होते हैं बेसिस। और जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं नॉन मेटल्स के, जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया, H3PO4, विनेगर में जो एसिटिक एसिड होता है वो एसिटिक एसिड, ये सारे क्या है हमारे पास? एसिड्स हैं, क्योंकि पानी के अंदर ही एच पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। ये बताया सबसे पहले आर्गेनियस ने केमिकली कि पानी के अंदर जो एच पॉजिटिव प्रोड्यूस करते हैं वो क्या है? एसिड। और जो OH नेगेटिव प्रोड्यूस करते हैं वो है बेस। कुछ अगर कोई चीज डिसॉल्व नहीं होती वाटर में तो फिर वो क्या होगी? वो एसिड होगी, बेस कैसे पता चलेगा? इस चीज को आर्गेनियस ने एक्सप्लेन नहीं किया। सो दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ आर्गेनियस कंसेप्ट, कि ये कंसेप्ट ओनली एप्लीकेबल और लिमिटेड टू एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन की नेचर को आर्गेनियस कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं करता। एंड कार्बनिक साइड एंड अमोनिया, ये दो सब्सटेंसेस ऐसी हैं। देखिए कार्बनिक साइड CO2 एसिडिक कैरेक्टर रखती है, बट आर्गेनियस एक्सप्लेन नहीं करता CO2 एसिडिक कैरेक्टर रखती है। आर्गेनियस एक्सप्लेन नहीं करता क्यों? क्योंकि CO2 को वाटर में डालें तो एच पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस नहीं कर सकती, बिकॉज डोंट हैव एच पॉजिटिव आयन। CO2 के पास तो एच पॉजिटिव है ही नहीं, तो वो एच पॉजिटिव प्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसलिए CO2 एसिड तो है बट आर्गेनियस कंसेप्ट इसको एक्सप्लेन नहीं करता। इसी तरह अमोनिया बेस तो है लेकिन आर्गेनियस कंसेप्ट इसको एक्सप्लेन नहीं करेगा क्योंकि अमोनिया के पास तो OH नहीं है, और आर्गेनियस कहता है कि बेस वो चीज होगी जो कि OH प्रोड्यूस करे। सो ये दो हमारे पास लिमिटेशन आ जाती है आर्गेनियस कंसेप्ट की, जो कि इस कंसेप्ट को एक इम्परफेक्ट कंसेप्ट बनाते हैं। और इसके बाद एक नया कंसेप्ट आया जिसने इससे ज्यादा रिफाइंड फॉर्म में डिफाइन किया एसिड को और बेसिस को, एंड दैट कंसेप्ट वाज Bronsted-Lowry कंसेप्ट। और Bronsted-Lowry कंसेप्ट जो है ये एक्वस सॉल्यूशन की बात ही नहीं करता। Bronsted-Lowry ने कहा कि आप एक्वस की बात ही ना करें, आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं या नहीं, या किसी और सॉल्यूशन में भी डिसॉल्व कर रहे हैं। एसिड और बेस को इस तरह से डिफाइन किया जाएगा कि एसिड आर सब्सटेंस विच डोनेट और गिव एच पॉजिटिव आयन।
यहां पर उन्होंने एच पॉजिटिव की जगह यूज किया वर्ड प्रोटॉन का. एसिड इज अ स्पीशी विच डोनेट और गिव प्रोटॉन इज कॉल्ड एसिड. अ स्पीशी विच डोनेट और गिव, सॉरी, बेस क्या होती है, स्पीशी विच विच एक्सेप्ट, विच एक्सेप्ट प्रोटॉन. जो एसिड वो चीज होती है जो कि प्रोटॉन डोनेट करती है, और बेस वो चीज होती है कि जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल HCl एक एसिड है क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, आयनाइज होने पर प्रोटॉन प्रोड्यूस करता है, ये डोनेट कर सकता है, ये क्या है हमारे पास, एसिड है. और अमोनिया एक बेस है क्योंकि अमोनिया इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकती है. अमोनिया कैन एक्सेप्ट दिस प्रोटॉन, अमोनियम आयन बन जाएगा. अमोनिया को तो आर्यनेस ने एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन ब्रॉसफिड ने सबसे पहले अमोनिया को एक्सप्लेन कर दिया कि अमोनिया OH नेगेटिव तो प्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसलिए वो बेस तो नहीं है अकॉर्डिंग टू आर्यनेस, बट अमोनिया तो बेसिक कैरेक्टर रखती है क्योंकि अमोनिया एक्सेप्ट कर सकती है एच पॉजिटिव आयन अकॉर्डिंग टू ब्रॉसफिड लोरी कंसेप्ट. तो ब्रॉसफिड लोरी कंसेप्ट ने बड़ी आसानी से एक्सप्लेन कर दिया कि अमोनिया क्यों बेसिक कैरेक्टर रखती है. अब एक एग्जाम्पल समझते हैं, उससे आपको एक बात और डेफिनेशन बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल इसी अमोनिया का रिएक्शन हम करवा देते हैं HCl के साथ. तो यहाँ पर अमोनिया क्या है, एक बेस है, और HCl के हमारे पास एसिड है, और होगा क्या, अमोनिया ने यहाँ से एच लिया तो ये बना देगा अमोनिया, अमोनियम आयन, और यहाँ बन जाएगा क्लोराइड आयन. सो ये बेस के एच पॉजिटिव लेने के बाद जो चीज बनेगी उसे बोलेंगे कंजुगेट एसिड. तो यहाँ पर दो नई टर्मिनोलॉजीज हमारे पास आती हैं, एक होती है जी कंजुगेट एसिड एंड सेकेंड वन इज कंजुगेट बेस. HCl जो हमारे पास है वो है कंजुगेट बेस, Cl नेगेटिव, सॉरी. सो व्हाट इज कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस, वेरी मच इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. सो कंजुगेट एसिड वो चीज होती है कि जो कि बेस के प्रोटॉन लेने से बनती है. कंजुगेट बेस इज, कंजुगेट एसिड इज अ स्पीशी विच इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बेस एक्सेप्ट अ प्रोटॉन. जब एक बेस एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी तो हमारे पास कंजुगेट एसिड बनेगा, और जब एक एसिड प्रोटॉन डोनेट करेगा तो हमारे पास कंजुगेट बेस बनेगा. So these are two examples of conjugate acid and conjugate base. अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि आप बताएं कि H2SO4 का conjugate base क्या होगा. बड़ा आसान है, जब आपसे पूछा कि H2SO4 का conjugate basic क्या है, base क्या है, तो आपने क्या करना है, H2SO4 में से एक H निकाल दें, HSO4 negative one, this is conjugate base of H2SO4. बहुत आसान. अच्छा पूछे इसका कंजुगेट बेस बताएं. तो अब एसिड वो होता है एच पॉजिटिव दे और कंजुगेट बेस पूछ रहे हैं, तो इसमें से एक एच पॉजिटिव निकाल लेगा, हमारे पास ये क्या बन गया, कंजुगेट बेस बन गया किस चीज का, HSO4 नेगेटिव का. अच्छा अब आपसे पूछते हैं कि इसका SO4 नेगेटिव का आप बताएं कंजुगेट एसिड. कंजुगेट एसिड तब बनता है जब एक बेस एच पॉजिटिव एक्सेप्ट करती है. अब आप इसको बेस कह दो, इसने एक एच पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लिया, अब बन गया HSO4 नेगेटिव. जब बेस एच पॉजिटिव एक्सेप्ट करती है तो जो चीज बनती है वो होती है कंजुगेट एसिड. तो इसका कंजुगेट एसिड ये है, इसका कंजुगेट एसिड ये है, इसकी कंजुगेट बेस ये है, इसकी कंजुगेट बेस ये है. चकरा गए, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है. ओके नेक्स्ट वन, एक और चीज हमारे पास आती है, एक और डेफिनेशन है हमारे पास एम्फोटेरिक. एम्फोटेरिक क्या होता है, व्हाट इज एम्फोटेरिक. एम्फोटेरिक एक सब्सटेंस होती है जो कि एम्फोटेरिक इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस. अमोनिया देखें एसिड है या बेस है, अमोनिया तो बेस है क्योंकि एच पॉजिटिव एक्सेप्ट करती है. वाटर की बात करें, वाटर क्या है हमारे पास, वाटर तो हमारे पास एक बेस है क्योंकि ये HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है. देखिए आप, ये बन गया H3O पॉजिटिव और बन गया Cl नेगेटिव. देखें बेस इज अ स्पीशी व्हिच कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, एच पॉजिटिव ने H2O ने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया और ये एक्ट कर रहा है एज ए बेस, बट ये एसिड के तौर पर भी एक्ट कर सकता है. कैसे, आप H2O का रिएक्शन करवा दें अमोनिया के साथ, तो H पॉजिटिव H2O क्या करेगा, यहां पर अमोनिया को एक H पॉजिटिव दे देगा. सो इस केस में अमोनिया एक्ट कर रही है एज ए बेस और एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है वाटर. क्यों, क्योंकि अमोनिया ने यहां से वाटर से एक H पॉजिटिव यानी एक प्रोटॉन ले लिया. तो जो प्रोटॉन लेने वाला होता है, एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन, वो हमारे पास होता है बेस, और जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो एसिड होता है. इस केस में वाटर प्रोटॉन डोनेट कर रहा है इसलिए वाटर एसिड है, और इस केस में वाटर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है और वाटर बेस है. सो वाटर इज अ स्पीशी विच कैन एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस. तो इसलिए हमारे पास वाटर क्या है, एम्फोटेरिक है. और कौन कौन सी स्पीशीज होती है एम्फोटेरिक, हमारे पास HSO4 नेगेटिव एम्फोटेरिक है, आपने देखा.
HSO4 नेगेटिव H पॉजिटिव एक्सेप्ट करके ये बना सकता है, HSO4 नेगेटिव H पॉजिटिव दे कर ये बना सकता है। तो जब एक्सेप्ट करेगा तो एक्ट करेगा एज ए बेस, और जब डोनेट करेगा तो एक्ट करेगा एज एन एसिड। तो HSO4 नेगेटिव इज ऑल्सो आ एम्फोटेरिक स्पीशी, और एम्फोटेरिक स्पीशी की बात करें तो हमारे पास HCO3 नेगेटिव 1 इज ऑल्सो एन एम्फोटेरिक स्पीशी, और बात करें तो अमोनिया भी हमारे पास क्या होती है एम्फोटेरिक होती है। सो ओनली वाटर इज नॉट एम्फोटेरिक, और भी एम्फोटेरिक स्पीशीज हो सकती है जैसे कि HSO4 नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव और अमोनिया भी हमारे पास एक्ट करती है एज एन एम्फोटेरिक। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अर्हेनियस कॉन्सेप्ट एंड ब्रॉसिल लोरी कॉन्सेप्ट। इसमें भी कुछ हमारे पास फ्लॉज हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लिविस कॉन्सेप्ट को, और बड़ी डिटेल वीडियो आएगी लिविस कॉन्सेप्ट की इंशाल्लाह। तो अगर इस टॉपिक में अब तक आपने जो समझा इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आई इसको लाइक करेंगे, और अगर इस वीडियो की आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखना चाहते हैं, हम प्रैक्टिकली आप एसिड और बेस में डिफरेंस देखना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ वीडियो मिल जाएगी। और अगर आप लिविस कॉन्सेप्ट की वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको वीडियो यहाँ मिल जाएगी, यहाँ जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं।